तो दोस्तों अमृतसर के एक ऐसे ढाबे पे लेके आया हूँ आपको, जहाँ पे अंकल का कहना ना वो कोई सीक्रेट मसाला यूज़ करते हैं, ना वो बड़े बड़े सगलों में दाल बनाते हैं, फिर भी उनकी दाल मखनी इतनी बढ़िया है कि वो लाइनें लग जाती हैं उनकी दाल मखनी खाने के लिए। ऐसी क्या दाल मखनी में डालते हैं वो जो इतनी स्पेशल है उनकी दाल मखनी? अमृतसर में हूँ, अमृतसर के रंजीत अवेन्यू में, और मुझे अंकल जी मिले शर्मा वैष्णो ढाबा। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल सर। अंकल जी की हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। अंकल की बना रहे हो तुसी? दाल सर। दाल? हाँ जी। अंकल जी केड़ी दाल मिलती है अपने को? दाल मां दी सर। माँ दी दाल? अंकल दाल तो पूरे पंजाब में मिलती है, फिर आपकी यहाँ दाल का क्या स्पेशलिटी है? अपनी अपनी कारीगरी है, दाल तो बहुत मिलती है। हाँ हाँ, दाल हर जगह दाल मिल जाएगी, पर जो हमारी दाल है वो उसका जलवा अलग होता है। अच्छा, ऐसा क्या बनाते हो आप दाल में? ऐसा क्या डालते हो आप दाल में? कुछ नहीं डालते, बस प्याज डालते हैं। प्याज डालते हैं? हाँ। अंकल कितनी देर होगी आपको दाल बनाते हुए? सर 10 साल की उम्र में आओ, 50 साल से ऊपर होगी उम्र। 50 साल से ऊपर होगी उम्र, आप 10 साल से कर रहे हो, ये आपकी स्पेशल दाल है? हाँ जी सर। अंकल जी आप पतीले में बनाते हो दाल? हाँ जी। अंकल जी लोग तो इतने बड़े बड़े सगलों में बनाते हैं दाल, तो आपके पास यहाँ पे क्या स्पेशलिटी दाल की? यही तो कारीगरी है। अच्छा। हाँ, लोग दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते ना। अच्छा, अंकल कोई स्पेशल मसाले डालते होंगे आप? कुछ नहीं मसाले स्पेशल, कोई मसाले नहीं डालते। अंकल फिर क्या से इतनी रौनक लगाई हुई है आपने? बस भाइयों का प्यार है। भाइयों का प्यार है या फिर आपकी कारीगरी है? हाँ, वो तो कारीगरी तो है ही है, बाकी प्यार भाइयों का। तो भाई 50 साल का एक्सपीरियंस है जैसा अंकल जी बोल रहे हैं। और ये बीच में क्या आ गया, ये क्या डाल दिया आपने? ये राजमा। पर मक्खन तो आया नहीं अंकल जी। हाँ जी, ये देखो, ये मक्खन डाल रहे हो इतना? हाँ, बड़ा? हाँ, इतना ज्यादा? हाँ जी सर। अच्छा, ये है सीक्रेट दाल मखनी का। तो अंकल ये तो फिर होगी काफी महंगी, 250 रुपए की? नहीं सर, 100 रुपए। 100 रुपए में इतना ज्यादा बटर, पनीर भी इतना ज्यादा बटर भी, और ये देखो फिर से पनीर आ गया। अंकल जी और क्या क्या मिलता है अपने पास? ये आ गया जी यहाँ के मटर पनीर, इसमें पनीर बाद में डालेगा। ये आ गए जी पालक, जिसमें पनीर बाद में डलता है भाई। क्या जी यहाँ से मिक्स वेज, क्या बात है यार, रंग बिरंगी मिक्स वेज, और क्या खुशबू आई है, मज़ेदार। ये आ गई जी आलू गोभी, आलू गोभी की सब्जी देखो एकदम खड़ी खड़ी गोभी। यहाँ पे आ गए जी बढ़िया से जम्मू के फेवरेट राजमा। अंकल जी हमारे लिए दाल लगाने लगे हैं, सबसे पहले क्या आ गए अंकल जी? ये आ गए जी प्याज, ये आ गई अदरक, और ये क्या आ गया? जीरा। और मेन चीज़ ये है कि इसमें डलता है इतना सारा बटर भाई। एक दाल ये आ गई जी टमाटर, इसमें इसके बाद आएगी जी हमारी स्पेशल दाल, ये देखो। अरे वाह, बैक टू बैक यहाँ पे दाल लग रही है, सब्जियाँ लग रही है, और भी चीज़ें लग रही है। ये आ गए जी राजमा थोड़े से, तो यहाँ से देखो भाई पनीर आ गया, पनीर को क्रश करके डाल दिया जाता है। अंकल ये रेसिपी सारी अंकल जी की थी या आपकी है? नहीं, वो डैडी बनाते हैं ऐसे। अच्छा, अंकल जी की है। ये देखो भाई बटर इतना बड़ा क्यूब आ गया इसमें, और ये आ गई जी दाल। अब इसमें आ गई जी थोड़ा सा रोगन, और साथ में आ गए जी पनीर। तो भाई इसके साथ लगाते हैं लच्छे पराठे और ट्राई करते हैं टेस्ट। भाई देखो हमारा लच्छा पराठा रेडी हो गया, अब इस पर लगेगा बटर, वो भी भर भर के। अमृतसर आए हो, गुरु की नगरी में आए, तो बटर तो आपको मिलेगा ही, और इतने प्यार से खिलाते हैं यहाँ के लोग खाना, मज़ा आ जाता है भाई, पेट भर के जाने वाले हैं हम अमृतसर से। तो लच्छा पराठा एक एक करके लगाएंगे, पहले मैं खाऊंगा, फिर करण भाजी खाएंगे। पहले मैं खाऊंगा। पहले आप खाओगे? ओके, तो जल्दी से टेस्ट करते बताते हैं कैसा है स्वाद। तो भाई शर्मा वैष्णो ढाबा की स्पेशल दाल आ गई है भाई, बटर इतना है, ये देखो पिघल पिघल के, पिघल पिघल के पूरी तरह से मिक्स हो गया, और बीच में पनीर भी आता है। तो भाई क्या मज़ेदार दाल है, पनीर, ओए हो, ये यहाँ की दाल मखनी है जिसका रेट है जी 100 रुपये, और यहाँ पे आ गए जी लच्छा पराठा। अरे वाह, क्या मज़ेदार दिख रहा है, जल्दी से बाइट ले लेते हैं, फिर साथ साथ में बताते हैं और क्या क्या मिला है। ये आ गई जी एक लच्छा पराठा की बाइट, एकदम ताज़ा ताज़ा बन के आया है, और टाइमिंग बताई अंकल ने, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सब चीज़ें मिलेंगी भाई। भाई दाल मखनी आ गई, पनीर आ गया, अब थोड़ा सा इधर से प्याज डाल देते हैं, और साथ में भैया ने ना थोड़ी चटनी भी दी है, एक वो भी डाल देते हैं थोड़ी सी। ये आ गई जी चटनी ऊपर से, ये आ गई जी हमारी एक प्यारी सी बाइट, इसको टेस्ट करता हूँ बताता हूँ कैसा है स्वाद। भाई इसे कहते हैं असली दाल मखनी, क्या मज़ेदार है, पनीर डला हुआ है, एकदम क्रीमी है, और जैसे अंकल ने बताया दाल बनाने का ये मतलब नहीं कि तुम सीक्रेट मसाला डाल दोगे, ये सब चीज़ें डाल दोगे तो दाल टेस्टी हो जाएगी, बनाने की कारीगरी भी होती है, जैसे अंकल ने बनाया कि बनाने की कारीगरी, उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है,
बहुत मज़ेदार है। लच्छा पराठा 40 का है, वो थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे, पर दाल 100 रुपये में वर्थ इट है भाई, मज़ा आ गया। साथ में फिलहाल इन्जॉय करता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें पर अंकल ने हमें रिकमेंड किया कि यहाँ पे आके दाल को, मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आके दाल खाओ, बहुत मज़ेदार दाल है। और भी बहुत सारी जगह पे दाल खाई पर कोई डिफरेंट दाल खानी है, अपने दाल मखनी में कुछ डिफरेंट चाहिए तो भाई ये दाल ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ गया खा के। तो कभी भी आप रंजीत एवेन्यू आएँ, ब्लॉक ए में आना, रंजीत एवेन्यू में शर्मा वैष्णो ढाबा, दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको दाल मिलने वाली है, पनीर मिलने वाला है और बहुत सारी सब्जियां मिलने वाली जो अंकल ने बताई है। तो और वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट कर दो अगर आपने यहाँ पे कभी दाल खाई है।